बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नमरा एंड टुडे आई टीच यू अबाउट जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग? द टीचर्स टीच अ कोर्स ऑफ स्टडी और अ प्रैक्टिकल स्किल टू द स्टूडेंट। टीचर्स यूज डिफरेंट टेक्निक्स इन ऑर्डर टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। There are many different ways to teach and help students to learn. A teacher considers students' background, knowledge, environment, interest, and their learning goals as well when going to decide what teaching methods should be used and which is more suitable teaching strategy for certain age level and grade level of the students. The concept of teaching means the teacher will have students ki इंटरेस्ट को देखे, उनके एक्सपीरियंसिस को, उनके गोल्स को, लर्निंग गोल्स को देखे, देखे कि ग्रेड, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करे, डिसाइड करे कि कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी और स्ट्रेटेजी मोस्ट सूटेबल है फॉर सर्टन सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ की जा सकती है। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी आप डिफरेंट मेथडोलॉजी और स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हैं, तो मेक अ मोर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग एज वेल। Teaching derived from to teach, which means to instruct. Process in which one individual makes something known to another individual. Teaching is a bipolar process, teacher and student. ठीक है, जॉन एडम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है इसलिए इसको बाइपोलर प्रोसेस कहा जाता है। और टीचर का मतलब क्या है कि अब टीचर टीचिंग क्या है, जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है, इंस्ट्रक्ट करता है और एक नोन से अननोन पर्सन को। ठीक है, अब नहीं जो उससे अब अनोन और जो मोर नॉलेजेबल टीचर पर्सन है वो टीचर कंसिडर होता है। टीचिंग इज अ ट्राई पोलर प्रोसेस। टीचिंग जो है वो ट्राई एंगल है, बिकॉज में टीचर स्टूडेंट्स का करिकुलम भी आ जाता है, थ्री वेज हैं, तो ये एक ट्राई एंगल प्रोसेस है। टीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस इन लर्निंग और एजुकेशन। इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। टीचिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Teaching is a process in which learner, teacher curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals. Teaching includes all activities of providing education to others. बेसिकली टीचिंग क्या प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक स्पेशल आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे होते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बूस्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स की, उनको स्किल सिखा रहे होते हो, एक्सपर्ट बना रहे होते हो किसी भी सर्टन सब्जेक्ट में, लिंग्विस्टिक वे में, एक्सपेरिमेंटल में, आप मैथमेटिक्स है, लर्निंग है, राइटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, तो इसमें आप करिकुलम टीचर और स्टूडेंट का गहरा ताल्लुक है। ठीक है, इसके अलावा अदर एक्सपीरियंस वेरिएबल भी हैं, लाइक टाइम हो गया, वेदर कंडीशन है, एज है, जो कि आपको स्टडी को अफेक्ट करते हैं, आप फिर एक्सपीरियंस स्टडी में सारे को सेटल दे रहते हैं। लेकिन इसमें आप प्री डिटर्मन जो गोल्स होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप देखते हो कि बच्चों के साथ आपने किस तरह से उनको लेकर चलना है, कि आप किस हद तक अपने गोल्स को अचीव कर लिए और क्या आपके आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंट बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर द मेंटल एंड कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स। Through teaching, the teacher aims at giving some knowledge to the students, passing some information to them, making the students acquire some skills, changing the attitude of learners, modifying the behavior of students, giving some experience of life. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि आप ऐसा प्रोसेस है टीचिंग जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नॉलेज वो गेन करते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाते हो, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखाते हो, उनको एटीट्यूड में चेंज, पॉजिटिव चेंज लाना सिखाते हो, अपने लाइफ एक्सपीरियंसिस उनको सिखाते हो, कुछ एग्जाम्पल्स देते हो, स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसिस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसिस सीखते हैं और स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है उसको मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, तो उसको आप इजीली उनको पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बिकॉज द एम ऑफ एजुकेशन इज द अराउंड करेक्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, करेक्टर फॉर्मेशन के लिए जो है आप एजुकेट होते हो, तो इसका बेसिक पर्पज़ है। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन 1934, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन, विच इज़ डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। अकॉर्डिंग टू केज, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एंड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। दीज आर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट एजुकेशनिस्ट।
some assumptions about teaching. Teaching is a process, not an event. There is no one right way to teach, but there are many several ways to teach better. Both teacher and students are responsible for learning. Learning is more likely to occur if the process has been planned. Assessment drives learning. Learning occurs best in the relevant context and most importantly. तो कुछ assumptions हैं कि टीचर टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस है और इसमें दोनों पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों पे, और कोई एक मेथड एक्यूरेट नहीं है, बल्कि सभी मेथड से आप बच्चों को एजुकेट कर सकती हैं. और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लर्निंग को लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. असेसमेंट प्रोसेस इसको ज़्यादा मेक श्योर करता है कि आप किस लेवल पे कॉल कर रहे हैं और रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है. अब लर्निंग क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है लर्निंग का, अ चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर और एबिलिटी टू डू समथिंग. अ कंडीशन दैट हैज चेंज मस्ट रिजल्ट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस. अ कंडीशन दैट चेंज इज एन एंड्यूरिंग वन. ठीक है, तो किसी अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाना, अभी मॉडिफिकेशन जो है वो लर्न करना जो है वो लर्निंग कहलाती है सीखना. फिर कौन से करैक्टरिस्टिक्स से सर्टन, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. टीचिंग इज आर्ट, क्राफ्ट एज वेल एज साइंस. टीचिंग इज नॉट वन साइडेड. टीचिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. इट इज़ अ प्लान एक्टिविटी. इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल. इट इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक. टीचिंग कॉजेज मोटिवेशन. टीचिंग इज प्रोफेशन इन करेक्टर. तो दीज आर द बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग. ठीक है, क्या आप अगर चेंज लेके आ सकती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, आपको डेमोक्रेटिक मोटिवेटेड प्रोफेशनल करैक्टर बिल्डिंग फॉर्मेशन देती है. ठीक है, टीचर क्या है, अ टीचर इज अ पर्सन हु फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल. अ टीचर इज अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल टू लर्न. अ टीचर ऑफन वर्क्स इन क्लासरूम. अ टीचर इज समवन हु हेल्प्स अदर टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, तो टीचर जो आपको मोर नॉलेजेबल मोर एक्सपीरियंस पर्सन में जो पर्सन है जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंसिस सिखा रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है आपके एजुकेशन में, आपको हेल्प आउट कर रहा है, वो टीचर कहलाता है. प्रोफेशनल टीचर क्या होता है, इट रेफर्स टू टीचर्स हु रिप्रेजेंट द बेस्ट इन द प्रोफेशन एंड सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस. जो अपनी अपना बेस्ट आउटपुट देता है स्टूडेंट्स पे और बेस्ट प्रैक्टिसेस शो करता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, प्रोफेशनल टीचर कहलाता है. बींग अ प्रोफेशनल मीन्स टीचिंग टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप अमंग द होल स्कूल कम्युनिटी. स्कूल कम्युनिटी के साथ भी आपका अच्छा जो है प्रोफेशन अपना रिलेशनशिप मेंटेन करता है. और जैसे आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, आपका रिलेशन अदर्स के साथ कैसे हम्बल है, डाउन टू अर्थ हैं. अ प्रोफेशनल टीचर इज समवन हु टीच एज द प्रोफेशन. दे आर एजुकेटेड स्पेसिफिकली इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड दे होल्ड अ सर्टिफिकेशन. फंक्शन ऑफ टीचिंग, देर आर थ्री फंक्शन है, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एवेल्युएटिव. इन डायग्नोस्टिक, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्टेंट, इंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड एनवायरनमेंट, हिज ओन पोटेंशियल कैपेबिलिटीज. स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को मद्देनजर रखा जाता है, उनके कॉन्टेंट को उनकी एज और इंटरेस्ट अकॉर्डिंग किया जाता है, और फिर देखा जाता है उनका बिहेवियर, एंटरिंग बिहेवियर क्या था उसको ऑब्जर्व किया जाता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, उनके पोटेंशियल को फिर पॉलिश किया जाता है. प्रिस्क्रिप्टिव में है, सेलेक्टिंग प्रॉपर कॉन्टेंट एंड ऑर्गेनाइज दैट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सेलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एंड फीडबैक डिवाइसेज. In view of the individual differences among students, seeking essential cooperation for the students for purposeful interaction. उसमें suitable content select करती हैं, different strategy technique use करते हैं, ताकि बच्चों के लिए difference को मद्देनजर रख के आप उसको appropriate है वो उनको help out कर सके learning. फिर evaluation process last में आता है, realization of the stipulated objectives. Various evaluation devices in the form of test, observation, interviews, rating scale, inventories and unstructured projective techniques are help in exercising evaluating functions. Failure in the realization of objective is essentially a failure in the prescriptive or diagnostic functions. ठीक है, तो assessment system basically हमें बताता है कि आप कहाँ fall कर रहे हैं, कुछ grade marks किस हद तक हमने अचीव कर लिया, formal informal interview में, observation में, test form में, standardized test की form में हो सकते हैं, ताकि आप अपने planning को बेहतर बना सकें. The other general functions of teaching are creating learning situation, motivate the students learning, motivate students to learn, diagnostic learning problems, making curriculum material, explain and inform, initiation, direct and administrations. What is effectiveness? Effective teacher कौन सा होता है? अपने मैंने teacher को discuss किया, फिर professional को. Effective teacher वो होता है जिसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो पढ़ाता है, जो भी आपको पढ़ा रहा है वो इन्फ्लुएंस करती है, स्टूडेंट असर लेते हैं, पूरा असर उसकी बात में वजन होता है, असर होता है, वो असर और अंदाज में पढ़ा रहा है, असर करेगी उसकी बात आपको, तो इफेक्टिव टीचर होगा. इफेक्टिवनेस इज अ कॉन्सेप्ट व्हेन वी कंसीडर द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ टीचिंग. सम रिसर्चर्स डिफाइन टीचर इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट.
As a teacher, influence is far reaching. It is challenging to define what outcomes might demonstrate effectiveness and how those. ठीक है, तो कह रहे हैं कि टीचिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है और इफेक्टिव टीचर वही होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है चैलेंजिंग टास्क को फेस करता है और उसके आउटकम्स को जो है वो शो करता है. इसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंट्रैक्टिव मैथडोलॉजी हो सकता है, बिल्ड थिंकिंग स्किल हो सकता है, और इसके अलावा आप एक्टिव लर्निंग में बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, रिव्यू एंड सेलिब्रेट कर सकते हैं, और रिटर्न वो वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर्स? इफेक्टिव टीचर शुड बी फेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, प्रिपेयर्डनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी, विलिंगनेस टू एडमिट मिस्टेक्स, फॉरगिविंग, रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग. तो ये एक अच्छी करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इस अच्छी शख्सियत का मालिक होना चाहिए, अपनी मिस्टेक को ओपनली वो ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करे, क्रिएटिव होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिव एटीट्यूड, फेयरनेस, रिस्पेक्ट दिए स्टूडेंट्स को भी और एक दूसरे को माफ करें ताकि स्टूडेंट्स भी ये करेक्टर बिल्ड कर सकें. क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल डिग्री होनी चाहिए, असेसमेंट क्राइटेरिया आपका अच्छा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, अब टीचिंग में कहना है टीचिंग अप्रोच क्या करती है? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग विच इज ट्रांसलेटेड इनटू क्लासरूम. ये टीचिंग अप्रोच होती है. फिर आपके प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, थॉट्स क्या हैं? टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल. यानी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ कर रही हैं, कौन सा आप प्लान ऑफ एक्शन लेकर चल रहे हैं. टीचिंग मेथड्स क्या है? इट इज़ सिस्टमेटिक वे ऑफ समथिंग, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली लॉजिकली अरेंजमेंट्स ऑफ स्टेप्स, इट इज़ मोर प्रोसीजरल. ठीक है, आप कौन से स्टेप बाय स्टेप मेथड्स यूज कर रहे हैं. टीचिंग टेक्निक इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर यूज टू कम्प्लीट स्पेसिफिक एक्टिविटी और टास्क. किसी टास्क को कम्प्लीट करने के लिए आप कौन सा तरीका कर रहे हैं, तो ये टीचिंग टेक्निक में लगता है. थैंक यू सो मच. होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.